अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले पास्ता बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है, तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑयल। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे पास्ता जो है वो बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसको छान लेंगे। यहाँ पे पास्ता जो है उसको छानने के बाद ठंडे पानी से एक दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल 4 टेबलस्पून। यहाँ पे सबसे पहले ऐड किया है गाजर। गाजर जो है उसकी मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर ली है, तो उसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे गाजर जो है उसकी 4 से 5 मिनट के लिए उसको फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, उसको भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे तरह से। तो यहाँ पे सब्जियाँ जो थी उनको फ्राई करके इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे अलग से। अब यहाँ पे वाइट सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। अच्छी तरह से जो है इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे लो फ्लेम पे जो है 2 से 3 मिनट के लिए मैदा जो है उसको पकाएंगे ताकि वो अपना कलर चेंज कर ले। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चेडर चीज़, यहाँ पे वाइट सॉस को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे और अब फ्लेम जो है उसको ऑफ कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई किए थे, ये ऐड कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे पास्ता जो हमने बॉईल किया था, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।